तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। माई जी, नायला को बुला के लाए। चलो, तुम्हें बीबी बुला रही है। तुम अभी तक रो रही हो? मेरी किस्मत पे ही रोना लिखा है, मुझे घर वापस जाना है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये भी तो घर है ना। घर वो होता है जहां अपने होते हैं, माँ बाप होते हैं, हर दीवारी घर नहीं होता। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप खान साहब से मोहब्बत नहीं करती तो आप क्या उनके साथ यहाँ रहती? देखो नायला, साथ रहने के लिए मोहब्बत जरूरी नहीं है, इससे बेहतर है कि मर जाना चाहिए। पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे कैद करेंगे, मुझे सजा देंगे या फिर कुत्तों के सामने डाल देंगे। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। खान के आगे किसी की नहीं चलती। खुदा के लिए आप खान से बात करें ताकि मैं घर वापस जा सकूं। ये अपने घर वापस जाना चाहती है, कब तक रहेगी यहाँ पे? जब तक फैसला नहीं हो जाता। और फैसला क्या होगा? शादी करवा रहा हूँ इसकी अपने बंदे से। ये क्या फैसला हुआ? कहाँ का इंसाफ है? मुर्तसम, हमारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की भी शादी मुंह उठा के किसी से भी कर दी जाए। इसमें इसकी क्या गलती? मेरी बीवी की क्या गलती थी? वो सिर्फ उनके खेतों में गई थी, फिर क्यों किया उसके साथ ऐसा? हाँ तो पकड़ो ना उन तीन गुंडों को, उनको सजा दो। उनको सजा मिल चुकी है। और ये बात याद रखो कि ये लड़ाई अब इज्जत की लड़ाई है। देखो मुर्तसिम, इस सब में मैं इन्वॉल्व थी और मैं इस मामले को खत्म करना चाहती हूँ, सब कुछ माफ करना चाहती हूँ। तुम कौन होती हो माफ करने वाली? हाँ, ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग हैं, मेरे खानदान के रस्म रिवाज हैं। या माफ भी मैं कर सकता हूँ और सजा भी सिर्फ मैं सुना सकता हूं। बेहतर है कि इस सब में अपने आप को मत उलझाओ। जी बीबी, बैठो। ये रख। ये सब क्या है? तुम्हारी मदद के लिए। मुझे तो पैसे नहीं चाहिए। जब यहां से भागोगी तो जरूरत पड़ेगी इसकी। हाँ, कौन भाग रहा है जी? तुम और कौन? देखो नायला, मुर्तसिम खान अपना फैसला नहीं बदलेगा,
तुम्हें हिम्मत करनी होगी, हिम्मत करके यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से भागने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं जी, क्यों? मैं भागकर कहाँ जाऊंगी? वापस जाऊंगी तो मलिक मुख्तार मुझे दोबारा यहाँ भेज देगा। तुम्हारा घर है? हमारा कहाँ घर है, और हमारे घरों में भी सिर्फ उन्हीं की चलती है। हाँ, अगर खान मुझे वहां भेज देगा तो फिर मैं वहां आराम से रह सकती हूँ। यहाँ से नहीं निकलोगी तो कल निकाह के लिए हाँ करनी होगी। हम औरतों की भी क्या जिंदगी है, एक बेड़े से निकाल कर दूसरे बेड़े में डाल दिया। नायना की शादी किससे करवा रहे हो? पता चल जाएगा तुम्हें और उसे भी। ये निकाह नहीं होगा। तुम्हारा निकाह नहीं है जो नहीं होगा। उठ के चला जाएगा, कोई फजूल की शर्तें बनवाएगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, समझे तुम? नीरव, अगर तुमने कुछ भी किया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। And I mean it. हाय बीबी जी, क्या हुआ? चलो मेरे साथ। कहाँ? बंगाली बाजी के पास, जिसने तुम्हारा काम किया था। कौन सा काम? जिससे तुमने तावीज कराया था और फिर तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस मिल गया था। आप जाएंगी? हाँ, मेरा काम है, मैं ही जाऊंगी ना। पर वो तो आपकी दोस्त का था। हाँ, दोस्त का काम है, लेकिन उसने मुझे रास्तार बनाया, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब चलो। मुझे माँ बेगम। माँ बेगम अपने कमरे में है, उनको नहीं पता चलेगा, मैं संभालूंगी। चलो। ये तुम कहाँ जा रही हो, और वो भी मुझसे बगैर पूछे? माँ बेगम, मैं आपसे इजाजत लेने आई रही थी, बाजार तक जा रही हूँ, दर्जी के पास। दर्जी के पास जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? किसी को भेजकर कपड़े मंगवा लो बस। नहीं माँ बेगम, वो पिछली दफा भी दर्जी ने मेरे कपड़े खराब कर दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि खुद जाऊं। अगर आपका कुछ है तो बताएं, हाथ के हाथ ले आती हूं। चलो, अगर तुम्हें इतना ही बाजारों में घूमने का शौक है तो चली जाओ, मेरे भी कपड़े ले आना उससे। उसे कहना मेरे दुपट्टे भी दे दे, बहुत दिन हो गए अपने पास रखे बैठा है। बीबी जी, क्या है? माँ बेगम को शक है। फिक्र ना करो, माँ बेगम को क्या, इनके फरिश्तों को भी शक नहीं होगा। चलो अभी।